हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टर्किश ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे टर्किश ड्रामा के बारे में बताने वाला हूं जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा हाई है। मतलब हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी डब्ड में इससे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड टर्किश ड्रामा कहीं अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस टर्किश ड्रामा के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उसके सारे के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और वो भी HD क्वालिटी में। ऐसा नहीं कि कोई अनऑफिशियल चैनल पे अवेलेबल हो, एकदम ऑफिशियल चैनल पे के सारे के सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं। वेल, उस टर्किश ड्रामा की रेटिंग इतनी ज्यादा है कि बहुत बड़े बड़े टर्किश ड्रामास जैसे डेडीमर टर्किश ड्रामा से भी ज्यादा रेटिंग है उस टर्किश ड्रामा की, द प्रॉमिस से भी ज्यादा, प्यार लफ्जों में कहां से भी ज्यादा, और यहां तक कि इर्तुगरुल गाजी जिसकी रेटिंग 7.9 है उससे भी ज्यादा रेटिंग है उस टर्किश ड्रामा की, जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप कोई नया टर्किश ड्रामा ढूंढ रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए तो इससे बेस्ट हिंदी डब टर्किश ड्रामा आपको कहीं और नहीं मिल सकता। वेल, अब मैं आपको उस टर्किश ड्रामा का नाम बताऊं, उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह टर्किश ड्रामा की लेटेस्ट अपडेट्स लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस टर्किश ड्रामा की रेटिंग बताता हूं, उसके बाद मैं आपको उस टर्किश ड्रामा का नाम बताऊंगा। तो उस टर्किश ड्रामा की रेटिंग है 8.1, और अगर हिंदी डब्ड की बात करें तो हिंदी डब्ड में इससे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड टर्किश ड्रामा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले और स्टोरी आया था जिसकी रेटिंग 6.2 थी, फिर द प्रॉमिस आया था जिसकी रेटिंग 6.6 थी, उसके बाद डेडीमर आया था उसकी रेटिंग 7.3 थी, फिर उसके बाद प्यार लफ्जों में कहां की रेटिंग 7.5, और यहां तक कि इर्तुगरुल गाजी जो कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेटेड टर्किश ड्रामा है जिसकी रेटिंग 7.9 है उससे भी ज्यादा रेटिंग है उस टर्किश ड्रामा की। मतलब 8.1 रेटिंग के साथ उस टर्किश ड्रामा का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट लव। जी हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट लव टर्किश ड्रामा 8.1 रेटिंग के साथ सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड टर्किश ड्रामा बन चुका है जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप इसे हिंदी में कहां पर देख सकते हैं, मतलब ये टर्किश ड्रामा हिंदी लैंग्वेज में कहां पर अवेलेबल है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये टर्किश ड्रामा आखिर इतना ज्यादा फेमस बना तो बना कैसे, तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इस टर्किश ड्रामा का शानदार स्क्रीन प्ले, इस टर्किश ड्रामा में स्टार्स की शानदार एक्टिंग, और साथ ही इस टर्किश ड्रामा की अमेजिंग स्टोरी की वजह से इस टर्किश ड्रामा को 95% लोगों ने पसंद किया है, और इन सारी चीजों की वजह से इस टर्किश ड्रामा की जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा हाई जा चुकी है जो कि 8.1 है। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप इस टर्किश ड्रामा को हिंदी में कहां पर देख सकते हैं। तो ये टर्किश ड्रामा हिंदी में सवाल ए इश्क के नाम से डब हुआ था, इसलिए इस टर्किश ड्रामा को देखने के लिए आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है सवाल ए इश्क, और फिर उसके बाद लिखना है आपको ड्रामा सेंट्रल, क्योंकि ड्रामा सेंट्रल ही वो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसने इस टर्किश ड्रामा को डब किया है। तो आप जैसे ही सवाल ए इश्क ड्रामा सेंट्रल लिखेंगे, उसके बाद आप सर्च करेंगे, तो आपके सामने जो सारे के सारे एपिसोड्स हैं सवाल ए इश्क के वो आ जाएंगे, एपिसोड नंबर 1-2 सारे के सारे एपिसोड्स आपके सामने आ जाएंगे, और इन एपिसोड्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह टर्किश ड्रामास की लेटेस्ट अपडेट्स लगातार मिलती रहती हैं। थैंक यू।